और और आप आप जय मसीह की मैं स्वागत करता हूँ हमारे बाइबल अध्ययन में जो कि लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया का एक कलीसिया का एक सामूहिक अध्ययन है आई प्रे give दी understanding, गिव अस अंडरस्टैंडिंग बट us हेल्प अस our प्रैक्टिकल रिलेशनशिप और मेरी, और मेरी प्रार्थना ये है कि ये शिक्षाएं ये अध्ययन न केवल हमारे मनों को प्रकाशित करें लेकिन इन शिक्षाओं को लेकर हम अपने जीवनों में प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से अभ्यास करने वाले बन जाएं। We are now इन चैप्टर seven ऑफ first Corinthians. और हम पहला कुरंतियो की पत्री उसके सातवें अध्याय पर अपने अध्ययन को रखे हुए हैं डीलिंग विदेशन ऑफ मैरिज और हम इस सवाल के संग जूझ रहे हैं कि क्या शादी करना ठीक है या क्या कुआरा रहना ठीक है और क्या शादी करें तो कैसे करें द प्रेजेंट टाइटल और टॉपिक डील्स विद मिस अंडरस्टैंडिंग एंड रॉन्ग टीचिंग प्रिवलेंट uh, दो और आज के दिन का जो हमारा शीर्षक अध्ययन रहेगा वो इस बारे में है कि उन दिनों में जो गलत शिक्षाएं जो प्रचलन में थी नोस्टिसम से मैटर इज ईवल एंड देर बॉडी बीइंग द मैटर It is evil. और नॉस्टिसिज्म की शिक्षा के अनुसार कोई भी तत्व तो बुरा है यानी हमारा शरीर भी तत्वों से बना है इसलिए वो भी बुरा है इन विच केस और इस अगर ऐसा है मैन शुड अब मैरिज तब मनुष्य को या पुरुष को शादी नहीं करनी चाहिए एंड but then even if you marry you should not have any physical relationship with your wife मान लीजिए अगर शादी करते भी हैं तो कोई शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए all these questions were there और ये सारे सवाल वहाँ कलीसिया में मौजूद थे of course paul gives very very clear clear uh teaching from god और पॉल उस प्रेरित परमेश्वर की ओर से बहुत स्पष्ट शिक्षाओं को वहाँ रखता है and uh, last wednesday We concluded by, uh, with these statements. और पिछले शनिवार को हमने इन वाक्यों के संग बात को समाप्त किया देर आर ड्यूटीज एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसे जिम्मेदारियां हैं और कार्य है जो हम एक दूसरे के प्रति करने हैं एंड वंस यूर मैरिड यूर हसबेंड एंड वाइफ और जब आपकी शादी हो जाती है तब आप पति और पत्नी है सो देर आर राइट्स and duties of each other they are to be continually to be fulfilled or isliya shadi hunay ki badik shadi shudhaji one me ashi zimadari hai or ashi adikari hai jine abko dono pati or patni ko samme samohik se pura karne hai and uh, to the clear teaching of, uh, uh, of the holy spirit is that the body of the husband दस not only belong to him; it belongs to his wife as well. और पवित्र आत्मा का बड़ा स्पष्ट शिक्षा है कि पति की, पत, की देह या शरीर उसका नहीं लेकिन उसकी पत्नी का भी है and vice versa, और ऐसा ही हम पत्नी के लिए भी कहते हैं अब body belongs to the husband. और याद रखिए पत्नी की देह भी पति के लिए है And uh, so this matter of rights and uh, uh, duties of each other. दिस वर्स जनरली कंसिडर टू रेफर टू सेक्सुअल राइट एंड ड्यूटी और मैरिज और ये वचन खास रीति से हमें बताता है वो शारीरिक जिम्मेदारियां और शारीरिक अधिकार जो एक शादीशुदा जीवन के भीतर पूरे करने हैं इट्सली वर्स दैट वी कंसिडर्ड है

पहला कुरथियों की पत्री सातवा अध्याय चौथे वचन से लेकर छठे वचन It तक द वाइफ्स बॉडी डस नॉट बिलोंग टू हर अलोन बट ऑल्सो टू हर हस्बैंड इन द सेम वे हस्बैंड्स बॉडी डस नॉट बिलोंग टू हिम अलोन बट ऑल्सो टू हिज वाइफ डू नॉट डिफ्राइव इच अदर एक्सेप्ट बाई म्यूचुअल कंसेंट एंड फॉर अ टाइम so that you may devote yourselves to prayer then come together again so that satan will not tempt you because of your lack of self control i say this as a concession not as a command you To make dusre se alag na raho patni ko apni deh par पर उसके पति का अधिकार है वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैदान तुम्हें पर के परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति वह अनुमति है ना कि आज्ञा और आइए इस वचन की ओर थोड़ा और गहन और गहरे रूप से ध्यान पूर्वक हम पढ़ते हुए आगे बढ़े और इस बात को समझने की कोशिश करें कि पॉल उस प्रेरित क्या कहना चाहता है टाइटल इट विल बी म्यूचुअल ओनरशिप ऑफ ईच अदर्स बॉडी और इसलिए आज के अध्ययन का जो शीर्षक है वो ये है कि एक दूसरे के सहमति के साथ एक दूसरे के ऊपर अधिकार का सम मेंबर्स ऑफ द दरिंद चर्च एडवोकेटेड सेक्चुअल एब्सट इन मैरिज क्योंकि एक शारीरिक या एक शादीशुदा जीवन में शारीरिक संबंध से दूरी बना करके रखनी इट इज वेरी डेंजरस टीचिंग और ये बड़ी ही खतरनाक शिक्षा है बिकॉज इट कैन लीड टू नीडलेस टेम्पटेशन क्योंकि ये बात जो है ऐसी परीक्षाओं में मेंवश्यक परीक्षाओं में हमें डाल सकती Which है विच कैन लीड टू डेंजरस sin और यह आगे बढ़कर हमें खतरनाक पापों में गिरा सकती है द हसबेंड कैनोट डू वट ही प्रीसेस विथ हिस्स बॉडी और एक पति अपनी देह या अपने शरीर के संग वैसा नहीं कर सकता जैसा उसे करना अच्छा लगता है बिकॉज द वाइफ हैज द राइट एंड प्रिविलेजेस एंड वाइस वर्सा क्योंकि ऊपर एक, एक पत्नी का अधिकार है, एक पत्नी की, आ, का सौभाग्य है और इसी प्रकार से पति के लिए uh, in इसलिए याद रखिए परमेश्वर अपने निर्देश में बहुत ही स्पष्ट और बड़े ही कठोर रीति से इस बात को कहता है वट ही लॉन्ग वे सॉल्विंग मेनी प्रस एक्सिस्टिंग टूडे बिटवीन हसबेंड एंड वाइफ और परमेश्वर जिन बातों को इन वचनों के द्वारा सिखाता है इनके द्वारा हम इनका प्रयोग कर आज के दिन में जो शादीशुदा जीवनों में समस्याएं आती हैं उनको आज के दिन दूर कर सकते हैं let us look into these verses.

their body. और याद रखिए ना ही पति या ना ही पत्नी को अपनी देह के ऊपर पूरा अधिकार है The body of each belongs to the other. और याद रखिए एक का शरीर दूसरे का है Each has obligations. और एक के पास हर एक के उन दोनों के पास जिम्मेदारियां हैं ऑब्लिगेशन टू दी आदर और वो जिम्मेदारियां जो एक दूसरे के प्रति उन्हें पूरी करनी है। दैट इज पार्ट ऑफ द मैरिज यूनियन और ये एक शादीशुदा जीवन का हिस्सा है और याद ये तो परमेश्वर है जिसने इस रीति से इस बात की योजना बनाई what is इज मैरिज यूनियन और ये शादीशुदा जीवन है क्या इट इज नॉट जस्ट टू पीपुल वन मेल एंड वन फीमेल becoming. जस्ट हसबेंड एंड वाइफ और ये सिर्फ दो लोग नहीं है जो एक साथ मिलकर पति और पत्नी बन जाते हैं परमेश्वर का वचन और परमेश्वर खुद इस सिद्धांत में बड़े स्पष्ट रूप से so है। other, और जब वो पति और पत्नी एक दूसरे के बीच वो वाचा आ जाती है एंड इट इज डिक्लेयर दैट फ्रॉम नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ और इस बात की घोषणा कर दी जाती है कि आज के दिन से ये पति और पत्नी हैं। एंड गॉड एडेड The most important part of it. तब परमेश्वर ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात को जोड़ा These two shall not be two, but they shall be one. ये दोनों ए, दो नहीं लेकिन एक हो जाएंगे They become one. ये एक हो जाएंगे And this is very important for us to understand. Only in the Christian faith you have this very clear understanding of what marriage relationship should be. Or, sir, Masihī Vishwas me, ye bade spast rup se hai ki ek ye shaadi shuddha kaisa hona chahiye? Because this such a marriage union is thought of and planned by the Lord God Almighty Himself, who instituted.

Is to और इसलिए अगर वो एक दूसरे से खुद को बचा कर रखते हैं, या दूर रखते हैं तो एक तरीके का रहा इच इज नॉट परमिटेड बाई and it is देता this the violation of this rule causes

from for for the next two weeks. तब मैं सीधा खड़े होकर के साधारण रूप से ये घोषणा नहीं कर सकता कि अगले दो हफ्तों के लिए मैं उपास पे रहूँगा. So before I I I I, I uh, finally decide and declare it. और इससे पहले कि पूर्ण रीति से मैं इसका निर्णय लूँ और इसके बारे में योजना बनाऊँ. I have to sit with my wife. मुझे अपनी पत्नी के संग बैठना है. And discuss this. और इस बात को उसके संग बांटना है. I, I, I A certain particular blessing. परमेश्वर मुझे मेरा मार्गदर्शन कर रहा है कि कुछ दिनों के लिए मैं उपवास और प्रार्थना में रहूं ताकि हम कुछ आशीषों को पाएड ऑफ रिजर्वेशन अबाउट इट और अगर पत्नी के पास इस बात को लेकर के सहमति नहीं है वह सहमत नहीं है I cannot make it an issue and then start shouting at her। तब मैं इस बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं शुरू कर सकता। You don't understand God's will। और तू, तुम तुम तो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानती। She understands very well। वो तो बड़ी रीति से जानती है। And uh, usually when you consent। और जब आप एक दूसरे की सहमति लेते हैं। Your husband, है। your wife is not going to deny you। तब आपकी पत्नी आपको मना नहीं करेगी हस्बैंड और ना ही पति मना करेगा वांट्स टू फास्ट थ्री फोर फाइव डेज और अगर पत्नी को भी तीन चार दिन उपवास प्रार्थना करना है शी मस्ट फर्स्ट कंसेंट with हर हस्बैंड तो उसे भी पहले अपने पति से सहमति लेनी है ओनली when ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट

Mutual consent is to be sought in order to fast and pray. And uh, however, a husband and wife are not to separate themselves for too long because of temptations that can come. And it you. लेकिन फिर भी पति और पत्नी को एक दूसरे से काफी लंबे समय के लिए दूरी बना करके नहीं रखना है क्योंकि परीक्षाएं जो उनके ग्रो इंटीमेट इन लव एंड रिलेशनशिप और ये तो परमेश्वर की ही इच्छा है कि पति और पत्नी अपने रिश्ते में और उस प्रेम में गहरे रूप से बढ़ते चले एंड इट इजेसरी फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फैमिली और यह बात महत्वपूर्ण भी है जरूरी भी है ताकि परिवार की एक मजबूत नींव को रखा जा सके इंपोर्टेंस ऑफ प्रेयर ऑल्सो इसम्पसाइज और यहां पर प्रार्थना की महत्वपूर्णता को भी मूल्य दिया गया है प्रेयर इज दी रीजन एक्सेप्टेड बाई गॉड फॉर अ मैरिड कपल टू स्टे पार्ट और यहाँ पर प्रार्थना ही वो एकमात्र कारण है जो परमेश्वर के योग्य ग्रहण योग्य है कि एक शादी शुदा जोड़ा एक दूसरे से अलग हो सकता है समटाइम्स दसबैंड इज द पास्टर एंड ही फील्स ही शुड गो सेपरेट हिमसेल्फ अवे फ्राम ऑल दर्ल थिंग्स एंड फॉर टेन डेज

God will grant him his request. और लेकिन फिर भी वो पत्नी अपने पति के संग प्रार्थना करती है और ये प्रार्थना करती है कि परमेश्वर उसकी दुआओं को सुनकर उसके विनती निवेदनों का हा और आमीन में उत्तर दे। In other दे। words, only for this reason, God has permitted. Husband and wife to be separated. और सिर्फ इसी कारण के लिए परमेश्वर ने पति और पत्नी को अलग होने की अनुमति दी है And look at verse 7. और सातवें वचन की ओर देखिए मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं परंतु हर एक मनुष्य को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिला है ah. किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। पर्टिकुलर पर्सन टू रिमेन सिंगल ही गिव्स दैट पर्सन द ग्रेस एंड टू दोल्फ कंट्रोल इनऑर्डर टून सिंगल और अगर परमेश्वर चाहता है कि एक शादीशुदा या कुरा रहे शादी शुदा जीवन से दूरी बना करके चले तो परमेश्वर एक खास अनुग्रह और अभिषेक भी ऐसे व्यक्ति को देता है सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुल और इसलिए कृपया करके ध्यान पूर्वक रूप से गॉड इज दू डिमिन्स वेदर मस्ट रिमेन मैरिड और सिंगल याद रखिए कि ये परमेश्वर है जो इस बात को नियुक्त करता है कि एक को शादी करनी है या अविवाहित रहना है whether i must be married or not married और इच्छा क्या मुझे शादी करना है या नहीं करना है it is god who decides ये तो परमेश्वर है जो इस बात का निर्णय लेता है and god decides और जब परमेश्वर निर्णय लेता है the person whom god who god wants to be single ऐसा and, and, and to, to व्यक्ति जिसके लिए परमेश्वर यह नियुक्त करता है कि उसे अविवाहित या कुरा रहना है तब उसके लिए परमेश्वर एक खास अनुग्रह और आत्म नियंत्रण को भी देता है वी फाइंड फॉल हम पॉलिस को देखिए ही रिमेन्ड अनमरिड सिंगल बिकॉज ऑफ गॉड्स गिफ्ट भी आविवाहित या कुआरा रहा क्योंकि वो परमेश्वर का तोहफा उसको उसके पास था दू और इसीलिए ये इन सारी बातों के विषय में बात करने से पहले इनकी शुरुआत करते हुए कहता है कि मेरी तो ये विनती और आशा है कि सब मेरे समान हो जाए Because ऑफ present सिचुएशन लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए Because of persecution. और सताव की वजह से Paul wished अपेक्षा रखता था कि हर कोई उसी के समान हो जाए बिकॉज दैट हेल्प अ पर्सन टू फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन गाड एंड डूइंग क्योंकि ऐसा रहने से एक व्यक्ति का पूरा ध्यान और पूरा ध्यान और पूरा नियंत्रण परमेश्वर की बातों और उसकी सेवा करने की ओर लगता है सो दैट इज वाट दिस दिस थ्री वर्सेस एस और ये वो बातें शिक्षाएं हैं जो ये तीन वचन से हमें प्राप्त होती है गॉड गिव्स गिफ्ट परमेश्वर ही तोहफों को देता है वे आइदर गिफ्ट ऑफ मैरिज चाहे वो शादी का तोहफा हो और ए गिफ्ट टू रिमेन सिंगल या वो अविवाहित जीवन बिताने का तोहफा हो एंड गॉड डिसाइड्स और ये निर्णय सिर्फ परमेश्वर लेता है हु मस्ट बी मैरिड एंड हु मस्ट रिमेन सिंगल कि किसे शादी करनी है और किसे कुवारा रहना है सो व्हेन गॉड डिटरमिन्स और जब परमेश्वर इसको नियुक्त करता He है ही आल्सो गिव्स देम द एनेबलमेंट

This passage, this small paragraph deals with the questions about the unmarried, divorced, and mixed marriages. और ये जो वचन का भाग है, ये बात करता है आ, ग, ग, कुवारों के बारे में और जो तलाकशुदा हैं उनके बारे में और ऐसी शादियां जिसमें कई मिलावट हुई है किसी प्रकार से। So this portion is

परंतु यदि वे संयम ना रख सके तो विवाह करें क्योंकि विवाह करना कामुत्तर रहने से भला है जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले और ना पति अपने पत्नी को छोड़े दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पति के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती वह पति के कारण पवित्र ठहरती है नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हैं परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है क्योंकि हे स्त्री तू क्या नहीं क्य, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार कर लेगी और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार कर लेगा Now.

केवल आपकी सहायता होती है लेकिन आप दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं भाग शादी को लेकर तीन सवालों के प्रति में बात करता है आई होप मेनी ऑफ यू आर टेकिंग डाउन नोट और मुझे पूरी आशा है कि आप में से कई नोट लिख रहे हैं और यू नो यू लिसन एंड देन न लिस टू दिसन फ्रॉम यूट्यूब और फेसबुक एंड गेट द टीचिंग क्लियर इन योर माइंड और यह यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप फिर दोबारा सुन के इन शिक्षाओं को अपने मनों में साफ रीति से पकड़ लेना द फर्स्ट क्वेश्चन पहला सवाल अबाउट द अनमैरिड एंड द वि जो अविवाहित है और विधवाएं हैं एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज द मैरिड क्रिस्टियन एंड डिवोर्स और दूसरा सवाल वो शादीशुदा मसीही और जो तलाकशुदा हैं। है थर्ड क्वेश्चन इज द मैरिड क्रिस्टियन विथ एन अन सेफ स्पाउस या तीसरा सवाल वो शादीशुदा मसीही लेकिन उनकी पति या पत्नी ने उधार नहीं पाया। सो देस आर द्री क्वेश्चन

Widows. और जो अविवाहित इस अध्याय में इस वचन में पाए जाते हैं वो हो सकता है कि वो विधवाओं के विषय में हैं। really, uh, women, as well as और ना केवल विधवाएं वो स्त्री जिन्होंने पतियों को खो दिया है लेकिन साथ ही साथ ऐसे पति भी जिन्होंने अपनी पत्नियों को खो दिया है या जिनका तलाक हो चुका है एंड साथ ही साथ ऐसे पुरुष और महिलाएं जो कलिसिया में पाए जाते हैं और तलाकशुदास्टूडिकल टीचिंग खास रीति से वो तलाक का सवाल जब उठता है क्योंकि कई सारे मसीह अभी तक उस शिक्षा को स्पष्ट रूप से सीख नहीं पाए हैं एंड अनमरिड मैन आर डेल्ट विथ इन अदर वर्सेसर एस वेल और जो शादीशुदा अविवाहित हैं और जो पुरुष अविवाहित हैं और स्त्रियां अविवाहित हैं उनके विषय में इस अध्याय के दूसरे वचनों में भी बात किया गया है verses one and two. और पहला और दूसरा वचन एंड देवेंटी फाइव टू थर्टी एट और उसके बाद पच्चीसवें वचन से लेकर अड़तीसवें वचन तक the church had a question ke paas ek tha. that question was about temptation and those who have experienced sexual relations or oh, no, no, no. uh, those who have ex Experience. experienced सेक्सुअल रिलेशन और वो क्वेश्चन था वो सवाल था परीक्षाओं के विषय में और साथ ही साथ उन्होंने जिन्होंने वो शारीरिक संबंधों का या यौन संबंधों का अनुभव किया है दर इज टेम्पटेशन एंड दो हैव एक्सपीरियंस्ड सेक्सुअल रिलेशन और ये सवाल थे परीक्षाएं और उन शारीरिक संबंधों के विषय में जिन्होंने इनका अनुभव What किया। बेस्ट वे टू कॉम्पैटेशन इन से कौन सा तरीका सबसे उत्तम है की आप इस यौन संबंध बनाने की जो पीढ़ी समाज है और सब इसी के पीछे दौड़ते हैं इस परीक्षा के विरुद्ध खड़े हो सके सो देर में कई सारे उत्तर हो सकते हैं द फर्स्ट एंसर इज पहला उत्तर द बेस्ट थिंग इज फॉर दम टू रिमेन सिंगल और सबसे उत्तम बात तो एक के लिए ये होगी की वो अविवाहित या कुरा या कु रहे वाई क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ क्राइसिस और पहले तो जो वर्तमान में इस परिस्थिति है उसकी वजह से And we saw what that crisis was not specified. और हमने देखा कि वो जो परिस्थिति है उसके बारे में विस्तार में नहीं बताया It could गया। be persecution, ये सताव हो सकता है यू नो वेन यू है बिग प्रॉब्लम ड्यूरिंग फैम टाइम ये सूखा पड़ना या बाढ़ आना भी हो सकता है क्योंकि अगर ऐसे समय में आपके पास परिवार है तो एक बड़ी समस्या होगी And secondly, और दूसरा उत्तर क्योंकि वो परमेश्वर को बिना कहीं ध्यान भटकाए अपने पूरी भक्ति और समर्पण देरी क्लियर इन वर्ष थर्टी जिस बात well. को बड़ी स्पष्ट रीति से पैंतीसवे वचन में बताया गया है राइट वेडोशन टू द मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ ना कि तुम्हें फंसाने के लिए वर इसलिए कि जैसे शोभा देता है वैसे ही किया जाए कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लेबेंड हमारे पास पति हैं। वाइफ इज ऑलवेज वरिंग अबाउट हाउ टू प्लीज माई हसबेंड और पत्नी हमेशा इस बारे की चिंता करती कैसे मैं पति को प्रसन्न रखूं। The same thing about husband. और यही बात हम पतियों के विषय में कैसे How सकती? to please my wife. कि कैसे हम अपनी पत्नियों को प्रसन्न रख सकते And Paul uses himself as an example. और पॉल खुद को एक उदाहरण के रूप में प्रयोग करता है And then secondly, और दूसरी बात दी अनमेरिड एंड विडोज वर्ड टू मैरी If they with वो अविवाहित विधवा हैं वो शादी करने के लिए आजाद हैं इसकी बजाय कि वो लालसाओं से और उन इच्छाओं से जल जाए so क्योंकि इसी बात को पॉलुस कहता है passion, कि की ये विवाह करना तो ज्यादा अच्छा होगा इसकी बजाय कि तुम कामोत्तर होकर के परेशान हो इसी इन दैट केस और इस परिस्थिति में अडल्टरी फोनिकेशन और अनफेथफुलनेस टू वन सोन हस्बैंड और वाइफ इज नॉट एट ऑल परमिटेड इफ यू आर बर्निंग विदेशली पैशन यूर गो एंड गेट मैरिड क्योंकि याद रखिए कि इस प्रकार की परीक्षा और शारीरिक लालसा और कामोत्तर योजनाओं के से जलने की बजाय आपके लिए बेहतर होगा कि आप जाएं और शादी कर एंड दिस इज अ कमांड एंड ओब्लिकेशन फॉर दी क्रिस्टियन Uh, men and women. और ये एक और जिम्मेदारी है उन भावनाओं को उत्तेजनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते they are to marry. उन्हें शादी करना है स्टिल गोइंग टू एन अनमैरिड टू अन वुमन अदर देन योर वाइफ शारीरिक उत्तेजनाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं जिससे आपकी शादी नहीं हुई तो ये बात परमेश्वर के नजरों में एक बहुत बड़ा पाप ठहरी ऑल्सो लूजेंड और वाइफ और कई बार जवान लोग भी अपने पति या पत्नियों को खो पत्नी को खो देते हैं thing for them is to

एंडल याद रखिए और, या और उसके पश्चात खुद को वो समर्पित कर देते हैं कि बिना किसी ध्यान भटकने के द्वारा वो परमेश्वर की सेवा में लग जाए पर्पस यही उद्देश्य है नॉट uh, टू

शु मसीह क्या कहता है वर्स ट्वेल्व बारवा वचन लेट एस रीड वर्सन ऑल्सो और ग्यारह वचन को भी हम पढ़े नॉट एवरी वन कैन एक्सेप्ट दिस वर्ड बट ओनली टू हुम इट हैज बीन गिवन फॉर सम आर यूनिक बिकॉज दे वर बोर्न दैट वे अदर्स मेड दैट वे बाई मैन

क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे एंड इट इज वेरी सर्टन एंड श्योर दैट देयर आर सम मैन सिंपली कैनोट कंट्रोल फैशन और ये तो फैशन और ये तो सत्य है कि कुछ मनुष्य ऐसे है जो अपने शारीरिक भावनाओं पर नियंत्रण नॉट ओनली मैन

जब तक ये परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में ना हो और परमेश्वर ने ये इच्छा आपको प्रकट न करी हो क्यूंकि अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो वो आपको वो सामर्थ नियंत्रण भी देगा सो आई क्लोज विथ

हों दाई वी है इसीलिए ये बाइबल अध्ययन का दिन हमने रखा है एंड दिस इज द रीजन वी डोंट कैंसल और फिनिश द बाइबल स्टडी डे

और वो कुछ अलग होता है प्रीचिंग इज डिफरेंट और प्रचार अलग है इट इज प्रोक्लेमिंग दू ये तो सच्चाई की घोषणा के विषय में टीचिंग लेकिन शिक्षा देना वर्स वर्स बाय टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर ऑफ अ बुक इनऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिब्लिक टीचिंग कंसर्निंग एनीथिंग लेकिन शिक्षा तो इस विषय में है जब आप वचन दर वचन और अध्याय दर अध्याय और पुस्तक दर पुस्तक जो भविष्य शाद की शिक्षाएं हैं उनको जानते हैं समझते हैं और अध्ययन करते हैं सो so स्टडीज और इसलिए इन बाइबल अध्ययनों को आप इनमें भाग लेने से चूके ना। रीड चैप्टर सेवन अगेन और सातवें अध्याय को दोबारा पढ़े एंड इफ यू हैव क्वेश्चन प्लीज डोंट हेजिटेट टू लेट मी नो क्वेश्चन और अगर आपके पास कुछ सवाल है तो कभी घबराए ना उन सवालों को मुझसे पूछने से। यू कैन सेंड इट टू माई व्हाट्सएप और आप मेरे व्हाट्सएप पे उन सवालों को भेज सकते हैं और ऑन कैन गिव इट इन राइटिंग या रविवार को आप लिख करके एक पर्ची में मुझे वो दे सकते Because हैं। रिमेनिंग After हम ये चाहते हैं कि अध्ययन को समाप्त करने के पश्चात आपके दिलों में किसी भी प्रकार का संदेह ना so whatever is God's will, और जो भी परमेश्वर की परमेश्वर की अनुग्रह की आवश्यकता है ताकि हम उस जीवन को जीने पाए जिसकी योजना उसने हमारे लिए बनाया और हमें उस आशीषित पवित्र आत्मा की भी आवश्यकता है So let us pray. Lord, we thank you for these wonderful teachings. These teachings deal dealing with marriage and divorce and separations and remaining single and remaining married, all these things create. सिंपली बिकॉज दे हैव नॉट अंडरस्टूड व बाइबल पिता परमेश्वर ये सारी शिक्षाएं जो शादीशुदा जीवन विवाहित जीवन अविवाहित जीवन और पिता परमेश्वर विधवा तलाक इन सारी शिक्षाओं में देता है बिकॉज Your Holy Spirit can help us in all things. तेरी पवित्र आत्मा हमारी इन सारी बातों में सहायता कर है। We want to be in God's will. हम तेरी इच्छा में होना चाहते हैं। And experience हैं। God's grace and his power of the Holy Spirit to be overcomers. और तेरे उस सामर्थ्य पवित्र आत्मा के सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं or, ताकि हम जयवंत रहें। Or live the life and enjoy that life. that God has planned for us. And to live that life and to enjoy the happiness that God has planned for us. We है. thank you for those who are married. हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए जो शादीशुदा हैं। I thank you for all the husbands and wives, of the family in our congregation। हम धन्यवाद करते हैं हर एक पति, पत्नी और जितने परिवार हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं। We give you all the praise। हम सारा महिमा आप ही को देते in हैं। In Jesus' name। यीशु के नाम में। Amen। Amen।, Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। And meditate on these. Things. और इन शिक्षाओं पर आप मनन करें। आमीन। आमीन।